हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम एपीआई की हेल्प से डेटा को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, इससे प्रीवियस दो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि डेटा को शेयर किस तरीके से किया जाता है और डेटा को क्रिएट यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को किस तरीके से डिलीट किया जाता है, एक पर्टिकुलर डेटा को अगर हमें यहाँ पर डिलीट करना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर एक राउट बना लूँगा डिलीट डेटा नाम से, और उसी एम्प्लॉय एपीआई कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर डिलीट नाम का एक फंक्शन भी बना लूँगा। तो सेम हमें कुछ नहीं करना, सेम एज आई एक डिलीट यहाँ पर राउट क्रिएट करना है और कर लेते हैं इसको कॉपी और चलते हैं यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर एक फंक्शन बनाना हमें और फंक्शन का नाम दे देना हमें डिलीट, और इसके अंदर भी सेम हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट पास करनी है और यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल भी बना दूंगा। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय को एक्सेस करते हैं, यूज़र को एक्सेस करते हैं, वैसे हमें यहाँ पर एम्प्लॉय को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर डिलीट करूँगा। तो एम्प्लॉय कॉलन कॉलन, और इसके अंदर जब हमने क्रड एप्लीकेशन सीखी थी तो हम यहाँ पर देखते हैं फाइंड फंक्शन है, तो फाइंड फंक्शन वो वाली आईडी को फाइंड करता है जिसको हमें यहाँ पर डिलीट करना होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर चलते हैं डेटाबेस के अंदर और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर डेटा को डिलीट करते हैं 134 को। तो यहाँ पर हम फाइंड करा लेंगे 134 और इस 134 को हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, डिलीट नाम के फंक्शन से इसको डिलीट करा लेंगे। तो एम्प्लॉय फाइंड करेगा 134 और यहाँ पर उसको डिलीट कर देगा। अब इस फंक्शन को हम चलाते हैं यहाँ पर पोस्टमैन पे। तो जब हमने यहाँ पर क्रिएट डेटा चलाया था वैसे ही सिंपली यहाँ पर इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर हम इसको कर देंगे ऐड और यहाँ पर हम कर देंगे डिलीट डेटा। तो जैसे मैं यहाँ पर डिलीट डेटा की यहाँ पर एपीआई को हिट करता हूँ पोस्टमैन पे, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट अभी यहाँ पर क्या हो रही है, सेंड हो रही है। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये अभी सेंड तो कर रहा है रिक्वेस्ट, और यहाँ पर अभी मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा रिस्पॉन्स पर। अब मेरे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, तो यहाँ पर आ रहा स्टेटस 200 और चलते हैं यहाँ पर, रिस्पॉन्स आ चुका मेरे पास 1 और यहाँ पर आते हैं ब्राउज पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर 134 यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी लोडिंग में टाइम ले रहा है। तो गाइज यहाँ पर 134 डिलीट हो चुका है, 133 यहाँ पर बचा है। अब चलते हैं यहाँ पर 133 को भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसके अंदर फाइंड आईडी दे दूंगा और दोबारा से इस पोस्टमैन की हेल्प से इसको हिट करते हैं। तो एक बार मैंने पोस्टमैन से फिर से करा, इस बार ये जल्दी हो गया, ब्राउज पे आता हूँ और 132 मेरे पास बचा हुआ है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर डिलीट डेटा भी चलाते हैं तो वो भी हमारे पास सेम ही चलेगा हमारे लारावेल के अंदर जो हमारे पास राउट है। तो अब हम करेंगे डिलीट 132 को। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ 132 डिलीट हो जानी चाहिए। तो चलते हैं इसको ब्राउज करते हैं और 132 यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब यही चीज़ एपीआई में करनी होती तो जो भी हमारे पोस्टमैन से करनी होती, तो अगर हम कोई की भेजते तो यहाँ पर हम भेज देते आईडी, और आईडी अब मैं भेज रहा हूँ यहाँ से 131। अब इस आईडी को हमें रिसीव करना है एज अ रिक्वेस्ट से, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल है और इसी से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसकी की पास कर देंगे आईडी। तो जो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर आईडी आएगी उसको ये डिलीट कर देगा। तो 131 यहाँ से आईडी जा रही है और मेरे पास आउटपुट आ चुका 1। तो चलते हैं यहाँ पर ब्राउज पे आता हूँ, 131 यहाँ से डिलीट हो चुका। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एपीआई की हेल्प से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू। अगर 131 आईडी आप यहाँ पर भेज रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। सो गाइस, इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को एडिट किस तरीके से किया जाता है। हमने यहाँ पर देख लिया कि शेयर कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। अगर कुछ भी डाउट गाइज रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।